नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क चैनल में। आज है 23 अप्रैल 2020। 23 अप्रैल 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, आज हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना योद्धा कल्याण लॉन्च की है? तो लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में जब थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ का सीएम है शिवराज सिंह चौहान, जो फोर्थ टाइम यहाँ के सीएम बने हैं, और गवर्नर है लालजी टंडन। इसमें क्या होगा, 50 लाख रुपए जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 में शुरुआत हुई थी। और इस साल पृथ्वी दिवस की जो थीम है, उस थीम का नाम है क्लाइमेट एक्शन। क्या नाम है उसका? क्लाइमेट एक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुआई इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है डेविड ली को। किसके लिए किया गया है? डेविड ली को। अच्छा, डेविड ली किसकी जगह आए हैं? ये आए हैं जे चेन की जगह आए हैं। अगला क्वेश्चन है, G20 देशों की कृषि मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो वो हिस्सा लिया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने लिया है? नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे कृषि मंत्री हैं। अब बात हो रही है G20 की, और ये कहाँ पर बैठक हुई है? ये हुई है सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कौन सा एप्लीकेशन? आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन। ये लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। किसने लॉन्च किया है? राजस्थान गवर्नमेंट ने। अब राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर बनाया है? अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर, तो वो बनाया है NBRI ने। किसने? NBRI ने। NBRI का फुल फॉर्म है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंडिया, और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका में भारतीय मूल के किसे उच्च विज्ञान बोर्ड का सदस्य चुना गया है? तो वो चुना गया है सुदर्शन बाबू को। किसको? सुदर्शन बाबू को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की जो रैंक है वो है 142वीं रैंक है इंडिया की। पिछले साल इंडिया 140वें पे था, इस बार दो पायदान गिर करके ये 142वें पहुंच गया है। और ये कुल 180 देश इसमें भाग लेते हैं। ये जो इंडेक्स बनाई जाती है, 180 देशों की इंडेक्स बनाई जाती है, जिसमें पहले स्थान पे नॉर्वे है, और लास्ट पोजीशन पे है उत्तर कोरिया, और चाइना है 177वें स्थान पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है गुजरात ने। किसने? गुजरात। तो ये मतलब सुजलाम सुफलाम जल संचय क्या है? जब वर्षा का मौसम आता है तो यहाँ पर नदी नाले को साफ, और नदी, जितने भी नदियां हैं, तालाब हैं, ठीक है,
उसके आसपास जो पानी की व्यवस्था होती है ना, किनारे से फ्लो होकर के जब पानी बरसात होगी तो रोड से और जो भी इलाके हैं वहाँ का पानी इजीली फ्लो होकर के कहाँ पहुँच जाए, नदी में या नाले में या तालाब में पहुँच जाए। ठीक है, तो बात हो रही है यहाँ पर गुजरात की। तो गुजरात के जो सीएम है विजय रूपाणी हैं और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। और इस जो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान है ये शुरू हुआ है 2018 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन शुरू किया है? तो वो शुरू किया है केरल ने। किसने? केरल में। तो केरल के बारे में जान लेते हैं हम। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर हैं यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के बारे में एक और जानकारी, पहला राज्य जो है प्लाज्मा थेरेपी कहाँ पर लॉन्च की गई थी, वो कहाँ पर लॉन्च की गई थी, केरल में। और एक और क्वेश्चन, पहली प्लाज्मा डोनर जो बनी है वो बनी है स्मृति ठक्कर जो गुजरात से बिलोंग करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली प्लाज्मा जो डोनर बनी है स्मृति ठक्कर बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बुक ने विलियम ई कोलबी पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है मिडनाइट चेरनोबिल ने। किसने? मिडनाइट चेरनोबिल ने। अब जान लेते हैं हम इस बुक के बारे में। ये बुक लिखी किसने है? इसने लिखी है एडम हेगन बॉटम ने। किसने? एडम हेगन बॉटम ने लिखी है। और ये किस पे बेस्ड है? मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड, सबसे बेस्ट बुक है ये। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत थी वो हुई थी 1999 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में औषधि उपचार के लिए भांग की खेती को मंजूरी दी है? तो वो दी है लेबनान को। ठीक है, लेबनान ने अपने यहाँ औषधि उपचार के लिए भांग की खेती पर रोक हटा दी है। तो बात हो रही है लेबनान की, तो लेबनान के बारे में जान लेते हैं। लेबनान की जो कैपिटल है वो बेरूत है और पीएम है हसन डियाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने नूर नामक सैन्य सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है ईरान ने। किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गेट सेट गो लॉन्च किया है? ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गेट सेट गो लॉन्च किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर कोविड-19 की वजह से गेट सेट गो लॉन्च किया गया है जिससे पढ़ाई रुके ना। एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है ये और ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, सीएम है BS येदुरप्पा और जो गवर्नर है बज्जू भाई बाला है। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में फीफा द्वारा वी विल विन अभियान में किस भारतीय को चुना गया है? तो उस किसको चुना गया है? बाईचुंग भूटिया जी को चुना गया है जो हमारे यहाँ के पूर्व कैप्टन थे फुटबॉल के। और बात हो रही है फीफा की, तो फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा के पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा की शुरुआत कब हुई थी? 1904 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जुरिक में। कहाँ पर है? जुरिक में। और इसके हेड कौन है? जी यानी एंटोनियो। कौन है हेड इसके? जी यानी एंटोनियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।